बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। हम में से कौन ऐसा इंसान है जिसको अपनी नींद नहीं प्यारी, जिसकी अगर नींद ना पूरी होए तो वो क्रैंकी हो जाते हैं, मूड ऑफ हो जाता है। मेरी तो खैर अगर नींद ना पूरी हो और सुकून की नींद मुझे नसीब ना हो तो मेरा तो बहुत ही मूड ऑफ हो जाता है। बहुत से लोगों के घरों में बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कोई एक बच्चा होता है जो सारा वक्त बिस्तरे पे घूमता रहता है और रिलैक्स नहीं करता, इजी होके नहीं सोता या सोती। घर में बड़े एक सर्टन एज पे जब पहुंच जाते हैं तो नींद का इशू, मतलब पहले अगर वो 8-9 घंटे सोते थे तो वो 6-7 घंटे हो जाता है। और मैंने तो देखा है कि बहुत से बुज़ुर्ग ऐसे हैं जो 2-3 घंटे ही सो के फिर उठ जाते हैं। 2-3 दफ़ा दिन में सोते हैं लेकिन रात की नींद उनकी 2-3 घंटे की ही होती है। एंड देन इस चीज़ को काउंटर करने के लिए आई होप बच्चों को लोग सोने की दवाइयाँ नहीं देते, लेकिन बड़ों को तो मैंने देखा है कि फार्मेसी से जाके खुद ही सोने की दवाइयाँ लेके उसको खाना शुरू हो जाते हैं। जबकि पहले अगर हम नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जाएं तो शायद वो बेहतर ऑप्शन होगा। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, इनके बारे में जान के और बहुत परेशान होने के बाद, हमारा जो स्लीप एड ऑयल है नूर बाई जुगन काजिम का, उसकी क्रिएशन की गई। देखें, स्लीप एक बड़ा हॉट टॉपिक है आजकल और अरोमा थेरेपी का इसमें बहुत ज़्यादा अमल दखल है, लेकिन यूजुअली कोई एक ऑयल अगर सिर्फ इस्तेमाल करें तो लोगों को वो वाले शायद रिजल्ट नहीं मिलते जो वो चाह रहे होते हैं। तो हमने वो ऑयल्स कंबाइन किए और एक ऐसी रिलैक्सिंग महक तैयार की जिससे आपकी नर्व्स भी रिलैक्स होंगी, आपका माइंड भी रिलैक्स होगा और मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप सुकून की नींद सोएंगे। हमने स्लीप एड ऑयल के अंदर, यानी कि नींद में मदद करने वाला ये जो ऑयल है, एसेंशियल ऑयल, इसको क्रिएट किया संदलवुड। संदल की स्मेल आपको पता है बड़ी रिलैक्सिंग होती है। लैवेंडर तो नोन है आपको स्लीप में हेल्प करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए। पेपरमेंट, सीडरवुड और फ्रैंकिंसेंस ऑयल जो है, इन सबको कंबाइन करके ऑब्वियसली उसकी जो रेशियोज हैं उनको ऊपर नीचे करके हमने ये स्लीप एड ऑयल तैयार किया। अच्छा, सबसे पहला इसको लगाने का तरीका तो ये है कि अगर आपको रिलैक्स होना है और कॉन्स्टेंटली आपने इसकी स्मेल को जो है वो इनहेल करना है तो आप अपने किसी भी मॉइस्चराइज़र, हमारे नूर बाई जुगन काजिम के किसी भी लोशन के अंदर इसके एक दो तीन कतरे डाल के इसको अपने ऊपर, मतलब डायरेक्टली जो है आप ना अप्लाई करें तो बेहतर है, बट अगर आप चाहें तो आप लगा भी सकते हैं। जैसे कि आपने थोड़ा सा जो है एक कतरा जो है ऑयल का यहाँ पर अपनी कलाई पे लगा लिया और थोड़ा सा जो है आपने अपनी कानों के पीछे, आपने एक कतरा यहाँ पे लगाया, ऐसे किया और इसकी बहुत ही रिलैक्सिंग स्मेल है, बहुत ही रिलैक्सिंग स्मेल है। अच्छा, अगर आपने डायरेक्टली स्किन पे नहीं लगाना, नहीं तो अगर आप अपना मसाज भी करा रहे हैं, ऑयल मसाज अगर करें तो उसमें भी 2 ड्रॉप्स इसके डाल दें तो उसको लगाने के बाद आपको बड़ी सुकून की नींद आ जाएगी। अच्छा, एक और तरीका इसको यूज़ करने का, ये जो एक डिफ्यूज़र है, मतलब ये जो एक इंसेंस बर्नर है, इसके अंदर आपने वाटर डाला, पानी डालने के बाद आपने नीचे ऑब्वियसली इसके, हमने ये देखे ना जलाया हुआ है ऑलरेडी बर्नर, इसके नीचे हमने एक ये जो टी लाइट्स होती हैं बड़े इजीली मार्केट में अवेलेबल होती हैं, 100-100 आपको मिल जाती हैं एक साथ, और इसके अंदर आपने 2 ड्रॉप्स इस तरह करके डाल दिए स्लीप एड ऑयल के, बेड साइड टेबल पे रखें और सुकून से आप सो सकते हैं। इसको आप इनहेल भी कर सकते हैं अपने स्टीमर के अंदर, अगर आपके पास कोई डिफ्यूज़र है जिसके अंदर स्टिक्स पड़ी होती हैं उसके अंदर भी आप कुछ कतरे डाल के इसको अपने बेड साइड टेबल पे रखते हैं। तो वेरियस डिफरेंट तरीके हैं इस ऑयल को यूज़ करने के। मुझे तो ये ऑयल बहुत ही रिलैक्सिंग लगता है और अगर आप बहुत, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम इतने थक जाते हैं कि हमें नींद ही नहीं आ रही होती। अच्छा, एक और तरीका इसको यूज़ करने का ये है कि आपने अपनी टी लाइट को, मोमबत्ती को जलाया, वो जब पिघल जाए तो फूंक मार के उसको बंद करके उसी के अंदर आपने 2 ड्रॉप्स को डाल के थोड़ा सा उसको हिला लिया और उसको छोड़ दिया। उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम आपको जलाएंगे तो वो आपकी एक अरोमा थेरेपी की कैंडल बन जाएगी। कैंडल तो आखिर ऐसे ही बनती है ना, उसके अंदर ऑयल का एलिमेंट ऐड किया होता है। तो पहले आपने इसको जलाया, जब इसका थोड़ा सा लिक्विड जैसे कि बन गया, जैसे कि मेरी यहाँ पे जो अंदर है टी लाइट, इसके अंदर जो है वो ये देखेंगे टी लाइट है, कुछ देर से जल रही है, मैंने इसको बंद किया, इसके अंदर ना अभी लिक्विड जैसा है। अब इस लिक्विड के अंदर ही वैक्स पिघल जाती है ना, उसी लिक्विड के अंदर मैंने 1-2 कतरे डाल दिए इस ऑयल के और इसको थोड़ा सा हिला लिया। अब इसी को अगर मैं ऐसे करके जला देती हूँ फिर से, तो इसके अंदर जो ऑयल है
उसका अरोमा जो है वो रिलीज करना शुरू कर देगा और आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो आपको किसी डिफ्यूजर से मिलता है। सो ये भी एक ऑप्शन है आपके पास। वैसे तो ये बहुत ही रिलैक्सिंग ऑयल है, स्लीप एड ऑयल, इसको इस्तेमाल करें। हमें भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा एंड ऑर्डर कीजिएगा www.noorbyjugal.com पे जाके। वैसे तो तीन हमारे जो ये कॉम्बिनेशन है ऑयल्स की, तीनों को अगर आप ऑर्डर करें एक साथ तो डिफरेंट टाइम्स पे आपके ये काम आएगा। एक हमारा रिलैक्सेशन के लिए ऑयल हमने क्रिएट किया है, एक हमने ब्रीद इजी क्रिएट किया है और एक जो है वो ये स्लीप एड ऑयल है। सो ट्राई ऑल ऑफ देम एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक।